दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे निबंध सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। किसी भी देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, जिनकी जिम्मेदारी हमारे सैनिक दिन रात एक कर पूरा करते हैं। लेकिन कई बार देश की सुरक्षा में सैनिकों को अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। ऐसे में इन सैनिकों के घर वालों को मानसिक व आर्थिक क्षति उठाना पड़ता है। एक सैनिक को शहीद होने पर सरकार द्वारा जो पेंशन मिलता है वह पर्याप्त नहीं होता है, जिससे उसका परिवार सही तरीके से चल सके। यह बात सरकार भी अच्छी तरह जानती है, इसलिए सरकार ने देश के सैनिकों की मदद करने का एक बेहतरीन तरीका सोचा था। सरकार ने साल 1949 ईस्वी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया। देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से होने वाली आय शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इकट्ठा की गई राशि युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण पर खर्च की जाती है। 7 दिसंबर 1949 से शुरू हुआ यह सफ़र आज तक जारी है। आज़ादी के तुरंत बाद सरकार को लगने लगा कि सैनिकों के परिवार वालों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखने की आवश्यकता है, और इसलिए उसने 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे सोच थी कि जनता में छोटे छोटे झंडे बांटकर दान अर्जित किया जाएगा, जिसका फायदा शहीद सैनिकों के आश्रितों को होगा। शुरुआत में इसे झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1993 ईस्वी से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस का रूप दे दिया गया। यूँ तो भागदौड़ की ज़िंदगी में शायद ही हमें कभी उन सैनिकों की याद आती हो जो हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो गए हैं, पर आज के दिन अगर मौका मिले तो हमें उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर, स्कूलों में या अन्य स्थलों पर आज लोग आपको झंडे लिए मिल जाएंगे, जिनसे आप चाहें तो झंडा खरीद कर इस नेक काम में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मिल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।